शासकीय पंडित श्यामा चरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय शिविर के 5वें दिन के कार्यक्रम का आयोजन ग्राम खैरखूट में किया गया, जहां कॉलेज के कार्यक्रम अधिकारी व दल नायक के साथ 45 स्वयंसेवकों की टीम शामिल हुई। स्वयंसेवकों की टीम ग्राम में सफाई अभियान चलाकर सफाई कार्य करने के बाद गुड़ उत्पादन केंद्र पहुंची, जहां गुड़ उत्पादन की प्रक्रिया से अवगत हुई। शाम को स्वयंसेवकों द्वारा जागरूकता से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की जानकारी NSS के अधिकारी डॉक्टर संजय ने दी। आज शासकीय महाविद्यालय द्वारा 7 दिवसीय NSS कैंप हमारे ग्राम पंचायत खैरखूट में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन समारोह आज मुख्य अतिथि माननीय ज्ञानेश शर्मा जी, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष के सानिध्य में हुआ। साथ ही साथ उपस्थित गांव के गणमान्य नागरिक और जनपद सदस्य, सरपंच महोदय, उप सरपंच, हमारे महाविद्यालय से आए हुए वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी एवं NSS के बच्चे जितने भी हैं, गांव के बुजुर्ग सियान, आप सबों का खैरखूट में स्वागत है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जैसे आप सबों के द्वारा NSS का कैंप हमारे गांव में लगाया जा रहा है, स्वच्छता को लेके जो मेन उद्देश्य है, इस उद्देश्य को आप अच्छे से प्रेरित हो के लोगों को प्रेरित करके, खुद को भी प्रेरित करना जरूरी है और लोगों को भी प्रेरित करना जरूरी है। इस माध्यम से आप लोगों से जुड़िए, जहाँ पे आपको एक ऐसा नहीं है कि हम बच्चे हैं तो हम नहीं जानते या बड़ों से कम जानते हैं, जहाँ पे हम एक पालक का दायित्व निभा सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम गांव में हैं और गांव में हम इसलिए आए हैं क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। तो इससे पीछे हटना नहीं है, ये थोड़ा सा कड़वा है पर सत्य है। अभी भी गांव में जो है साफ सफाई को लेके, सभी चीज़ों को लेके, तो उन सबों के लिए आप सबको माता पिता या सब इसीलिए भेजा जाता है ताकि हमारे ही बच्चे आए। आज देख रहा हूँ मैं कि हमारे ही गांव के, मैं खुद भी इसी गांव का हूँ, ये मेरी सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ आया हूँ। और वैसे ही मेरे जैसे गांव के बच्चे हैं, अनिल यदु हो गए, मोहित यादव हो गए और साहू जी, तो ऐसे ही हमारे गांव में भी ऐसे बच्चे हैं हमारे पास, गांव से कामता जी। तो आप सबों को देख के अच्छा लगता है मुझे, और भी आगे कुछ करूँ आप सबों के लिए, और भी आगे कुछ करना हो तो बिल्कुल आप सबों के साथ आगे खड़े रहूँगा मैं। तो यही चीज़ मैं बोला कि एक पालक चाहता है कि जब बच्चे पढ़ लिख ले, कॉलेज स्तर पे जाए, तो ज़रूर एक दिन जो है अपने गांव पे वापस आए। मैं हमेशा मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ, अगर मैं कहीं से आगे बढ़ता हूँ तो मैं अपने गाँव लौट के जाऊँ और उस गाँव को, उस चीज़ को दूँ जहाँ पर मैं हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहे। योग आयोग के फील्ड में मैं आज हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव योग आयोग हो, वातावरण योगमय हो। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा किल्दा ब्लॉक जो है एक मॉडल ब्लॉक, सोचता हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ, अगर मैं कहीं से आगे बढ़ता हूँ तो मैं अपने गांव लौट के जाऊँ और उस गांव को, उस चीज़ को दूँ जहाँ पर मैं हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड में रहे। योग आयोग के फील्ड में मैं आज हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा गाँव योग आयोग हो, वातावरण योगमय हो। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा किल्दा ब्लॉक जो है एक मॉडल ब्लॉक बन के, अभी उसी चीज़ का हम ज्ञानेश शर्मा जी के साथ बात कर रहे थे, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग के साथ, कि धरसीवा को और किल्दा को मैं मॉडल ब्लॉक बनाना चाहता हूँ। क्योंकि चूँकि दो साल भर होने वाला है छत्तीसगढ़ योग आयोग अध्यक्ष को अपने पद पर पदासीन हुए, पर मैं कभी नहीं बुलाया था, सिर्फ इसीलिए नहीं बुलाया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि किल्दा वाला और धरसीवा ब्लॉक को मैं मॉडल ब्लॉक बनाऊँ, उसी दिन इन लोग को बुला के दिखाऊँ। पर चूँकि आज सौभाग्य की अच्छी बात है, आप लोग का कार्यक्रम रहा, उसमें सम्मिलित हुए और आप सभी को बधाई देना चाहूँगा। अच्छे से आप सभी अपना दायित्व निभाए भारत माता की। NSS क्लब। संपूर्ण स्वच्छता के लिए युवा को ध्येय मानकर शासकीय पंडित श्यामा चरण शुक्ल महाविद्यालय के द्वारा दिनांक 28/11/2022 से 4/12/2022 तक ग्राम खैरखूट में
राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा विशेष शिविर लगाया जा रहा है। इसमें आज 28/11/2022 को मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानेश शर्मा जी उपस्थित थे। साथ ही उनके सहयोगी हमारे बीच ज्योति साहू जी उपस्थित रहे हैं। साथ ही हमारे जो ग्राम खैर खुर्द के जो सरपंच रहे हैं शिव कुमार हनुमंता जी और वरिष्ठ गणमान्य नागरिक के साथ साथ महाविद्यालय में कार्यरत महिला इकाई को संभालने वाले डॉक्टर रश्मि कुजूर मैडम और अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहे। आप सभी का धन्यवाद और उन स्वयंसेवकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है जिनके सहयोग से यह 7 दिवसीय शिविर का सफल संचालन किया जाएगा। तो हमें इस ग्राम से ही नहीं, जैसा कि ज्योतिष जी ने बताया है कि तिल्दा विकासखंड धरसींवा विकासखंड को योग में के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, परंतु वर्तमान में हम 7 दिवस के लिए खैरखुट में रहेंगे। तो खैरखुट वासियों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें इस अभियान को सफल बनाने में सहायता देंगे। धन्यवाद।